press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. कीप डूइंग फोटो शूट्स एवरी सिक्स मंथ्स. हर छः महीने में हम अपना पोर्टफोलियो रिफ्रेश करते हैं बिकॉज आप यू आर चेंजिंग एवरी सिक्स मंथ्स. आपके लुक्स बदल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है, सो देयर इज अ न्यू यू. सो इट्स अ नॉर्म हर छः महीने में हम पोर्टफोलियो अलग अलग फोटोग्राफर्स के साथ शूट करते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फोटो शूट एंड आई हैव बीन वेरी लकी दैट मुझे मौका मिला है दुनिया के बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का, इंडिया के टॉप फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का, राइट फ्रॉम अतुल टू दबू टू रफीक सैयद टू प्रसाद नायक टू सुरेश नटराजन टू सो मैनी. सो एम वेरी वेरी आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस. उसके बाद आइफा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू होस्ट आइफा द ग्रीन कार्पेट एंड आई मेट सो मैनी of our fraternity people there and it was such a successful event. खास करके जो सारे वहाँ के locals थे वो कितने excited थे कि Bollywood का कोई इतना amazing event वहाँ पर हो रहा है. So लोग दूर दूर से travel करके वो event actually 6 घंटे लंबे खींच गया. तो सारे लोग and you know 1 घंटा travel करके 6 घंटे show में बैठ कर 1 घंटा वापस आना. सो 8 घंटे का वो जो पूरा ये था, लोगों ने इतने हंसी खुशी और प्यार के साथ उस इवेंट को विटनेस किया दैट इट वाज समथिंग टू सी यू नो. सो या इट वाज अमेजिंग टू बी एसोसिएटेड विद आइफा. आइफा का जो ये फेस्टिवल था जी, ये एंथुसियाज्म की वजह से अपने आप पॉपुलर तो हुआ ही जी, लेकिन एक एक्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, नेपोटिज्म रॉक्स. तो इस पर आप क्या कहेंगे? यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दिस इशू? क्योंकि ये इशू कंगना ने बहुत इशू किया है, आप भी बॉलीवुड फ्रेंड जी जी. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट नेपोटिज्म? यू नो आई पर्सनली फील नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर जगह है. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हैं जहाँ पे रेफरेंस के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू या शायद फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट. आई डू अग्री कि अगर आप एक फिल्म फैमिली से आते हैं तो आपके लिए डोर्स ज़्यादा खुले रहते हैं. थोड़ा आसान होता है आपके लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी आसान होता है, एटलीस्ट वो फर्स्ट ब्रेक मिलना, उसके बाद चलना ना चलना और सक्सेस मिलना ना मिलना इज़ अनदर बॉल गेम. बट वो पहली चीज़ को क्रैक करना डेफिनेटली ईजी हो जाता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ फिल्म फैमिली. आई थिंक आई वुडन्ट डिनाई दैट. बट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं बॉलीवुड में जो बिना किसी बैकिंग के खड़े हुए हैं, जैसे कि शाहरुख खान सबसे बड़े एग्जांपल हैं. कंगना खुद बहुत बड़ी एग्जांपल है कि शी इज़ मेड इट ऑन हर ओन. यू नो ऑफ कोर्स देयर वुड बी पीपल ऑलवेज टू पुश यू फर्दर, टू हेल्प यू, टू गाइड यू, बट प्रीटी मच सो आई वुड बिलीव कि ये भी है और वो भी है. तो नेपोटिज्म भी है बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, विच ऑल्सो प्रूव्स कि अगर आपका नसीब बुलंद हो और आप में टैलेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता. ओके इस तरह इतने बड़े स्टेज पे इस तरह से नेपोटिज्म को लेके मजाक उड़ाना, फिर बाद में उस बात का एहसास करना, फिर उसकी माफ़ी मांगना, हाउ जस्टिफाई यू थिंक यू नो नेपोटिज्म रॉक्स देन दे कम ऑन ट्विटर. You know, they say ki this is sorry, apologetic, and we are sorry for it. Do you think it's justified? You know, ek baar aap jaate hain, aap kisi ka mazak udate hain, but the people from, or the female from your industry, phir aap to realize ki humne galti kar di, phir aap usko theek karte hain. How justified it is? I don't know, maybe at the moment, unse wo, like they said, ki mazak ho gaya. But,
यू नो इन अ टाइम लाइक दिस जहाँ आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया इतना रैम्पेंट है, इतना स्ट्रांग है आज के टाइम पे. एंड दीज आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, मतलब ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होंगे. सो आई बिलीव, मजाक में कह रहे हैं, बट आई थिंक एट अ टाइम लाइक दिस कोई चीज़ शायद मजाक में नहीं ली जा सकती. आई थिंक वन हैज़ टू बी सो गार्डेड एंड केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज कोई भी चीज़ जाके कब ट्विस्ट हो जाए यू डोंट नो, यू नो. सो आई थिंक मुझसे भी ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ कही है वो कुछ और चीज़ बनकर इंटरनेट पे आई है और मैंने खुद जब रीड किया मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एक्चुअली नहीं बोला. बट आई थिंक इट्स अ टाइम, द टाइम्स आर सच दैट वी नीड टू बी मे बी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर सेइंग. ओके, यू नीड अ पावर. या और भी हम जानते हैं कि आपके और भी लाइनअप्स हैं, साउथ की फिल्में भी कर रहे हैं जी. तो let us know about your upcoming project. जी, so I've done a South film called King Liar with the Malayalam superstar Dilip, and it was such an amazing opportunity. The film did very well. The film was a super hit. And उसके बाद around the same time I had signed a film called Baba Black Sheep, जिसको विश्वास पांड्या ने डायरेक्ट की है. And there's Anupam Kher in it, there's Manish Paul, there's Manjari, there's KK Menon, there's Anu Kapoor. So it's a comedy thriller and it's an ensemble cast, and it should release in a few months, and I'm very excited about that. And I don't know if you all have watched Inside Edge, the web series. I'm a part of that, so it was amazing to shoot that series and to be part of such an amazing show produced by such a by Excel, you know, which I feel is makes amazing content. So I'm very thankful that I got these opportunities. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. So sweet of you. Thank you.